हे गाइस, एक बार स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। और हम लोग बात करने वाले हैं करंट टॉपिक के बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है स्वच्छता सर्वेक्षण 2020। अभी आपने देखा, हाल ही में रिपोर्ट आई है स्वच्छता सर्वेक्षण की, और हर साल ये जारी की जाती है। तो चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले के जो मंत्रालय हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के नतीजे उन्होंने जारी किए हैं। और इंदौर, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले बार से लगातार, पिछले 4 सालों से लगातार जो स्वच्छ सर्वेक्षण का दर्जा प्राप्त करता रहा है, नंबर 1 का। तो इस बार भी उन्होंने, इंदौर ने अपनी रैंकिंग पर बतौर एक अपना नंबर 1 का खिताब बरकरार रखा है। तो इंदौर हमारा आपकी बार का नंबर 1 रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य नागरिक सेवा वितरण में सुधार और जो स्वच्छ शहरों का निर्माण और सफाई के प्रति नागरिकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की जो प्रमुख बातें हैं, किन किन बिंदुओं पर बात की गई है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर पहले पायदान पर अपना रैंकिंग अपनी बना पाया है, और सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। गुजरात के सूरत का दूसरा, जबकि महाराष्ट्र के नवी मुंबई को तीसरा स्थान मिला है। तो पहला हमारा इंदौर है, दूसरा हमारा गुजरात के सूरत शहर को नामित किया गया है, और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र के नवी मुंबई को स्थान मिला है। गंगा शहरों की श्रेणी में जो वाराणसी है, सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया गया है। और छावनी वाले जो शहर हैं, छावनी वाले शहरों की श्रेणी में पंजाब के जालंधर को शीर्ष रैंक मिली है। वहीं जो हमारे न्यू दिल्ली है, नई दिल्ली के सबसे स्वच्छ राजधानी शहर घोषित किया गया है। और 1 लाख से कम आबादी वाले छोटे शहरों में 3 शहर नामित हैं, जिसमें एक है कराड़, सासवड़, लोनावाला। लोनावाला महाराष्ट्र में 3 शहर हैं जहाँ पर 1 लाख से कम आबादी है। तो इनमें शीर्ष 3 शहर शामिल किए गए हैं। 100 से अधिक शहरों के साथ छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अगर हमारे राज्य की बात करेगा तो छत्तीसगढ़, और अगर शहर की बात करेगा पूरे इंडिया में रैंकिंग फर्स्ट, तो हमारा इंदौर, जो कि लगातार 4 साल से अपनी रैंकिंग नंबर 1 बनाए हुए है। जबकि 100 से कम शहरी स्थानीय निकायों या शहरों के साथ झारखंड का सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। और साथ ही साथ अन्य तथ्य भी इससे जुड़े हुए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 4,242 शहरों में और 62 छावनी बोर्ड, जो कैंटोनमेंट बोर्ड होते हैं, और 97 गंगा शहरों को शामिल किया गया है। सर्वेक्षण के लिए 1.87 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता को लेकर अपना फीडबैक दिया था। सर्वेक्षण टीमों ने 28 दिन में स्वच्छता सर्वेक्षण पूरा किया, और स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण था ये। पहले सर्वेक्षण वर्ष 2016 में 73 शहरों को शामिल किया गया था। तो अगर बात की जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण कब से स्टार्ट किया गया, तो 2016 से, और 2016 में पहला था जिसमें से 73 शहरों को शामिल किया गया था। सर्वेक्षण के पहले संस्करण में मैसूर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता था। मैसूर आप जानते हैं, मैसूर है कर्नाटका में। और स्वच्छता सर्वेक्षण की रैंकिंग के कुछ अहम आधार हैं: अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन, प्रसंस्करण एवं निष्पादन, संवहनीय स्वच्छता, और नागरिकों का सहभागिता और नवाचार। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे, और ये ऐसे राइटिंग हो या हमारा करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, महत्वपूर्ण बिंदु थे, सारे मैंने यहाँ पे संकलित किए हैं आपके लिए। तो आप इनको अपने नोट्स में लिखें और इनको याद रखें, ताकि अगर आप ऐसे राइटिंग भी अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए लिखना है, चाहे वो SSC के लिए हो या UPSC, UPPSC के लिए, या किसी भी PSC के लिए, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। और स्वच्छता सर्वेक्षण से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इनको ध्यान जरूर रखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो हमारे आर्टिकल होते हैं, उनको जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मैं आपके लिए लाता हूँ ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ना ही इंटरेस्टिंग बल्कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इससे क्वेश्चन। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।